आज से करीब 250 साल पहले भारत की इस भूमि पर कलयुग का आधिपत्य संपूर्ण रूप से छाया हुआ था। साधु और गृहस्थ अपने धर्मों को त्याग कर अधर्म के पथ पर रसबस थे। व्यभिचार, मांसाहार, चोरी और अधर्म की अनेक प्रवृत्तियों का दौर व्यापक रूप से चल रहा था। उसी समय अधर्म का नाश करने हेतु और धर्म का स्थापन करने हेतु सर्वावतारी सर्वोपरि भगवान श्री स्वामीनारायण का इस धरती पर प्रागट्य हुआ। भगवान स्वामीनारायण ने न केवल असुरों का संहार किया किंतु समाज में से आसुरी तत्व और समाज विरुद्ध प्रथाएं नाबूद की। समाज के कल्याण और उत्कर्ष के लिए करीब 3,500 स्त्री और धन के चुस्त त्यागी साधु बनाए और लोगों को कल्याण की एक नई दिशा दिखाई। भगवान स्वामीनारायण के मुख्य शिष्य सद्गुरु श्री मुक्तानंद स्वामी थे, जिन्होंने इस संप्रदाय में सत्संग की मां का बिरुद पाया था। भगवान स्वयं उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। मुक्तानंद स्वामी के मुख्य शिष्य सद्गुरु श्री आधारानंद स्वामी थे। अपने संपूर्ण जीवन काल पर्यंत उन्होंने भगवान और अपने सद्गुरुओं की कृपा को अर्जित किया था। आधारानंद स्वामी ने विश्व का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ रचा, जो आज संप्रदाय में श्री हरिचरित्रामृत सागर के नाम से प्रसिद्ध है। श्री आधारानंद स्वामी के शिष्य सद्गुरु श्री हरिप्रिय दास जी स्वामी थे, जिनका जन्म डभाण नाम के गांव में हुआ था। अपने जीवन में उन्होंने अपनी साधुता एवं निर्माणता से अपने सद्गुरु एवं भगवान को प्रसन्न किए थे। श्री हरिप्रिय दास जी स्वामी के मुख्य शिष्य सद्गुरु श्री वैकुंठ चरण दास जी स्वामी थे। उनका जन्म कानम के अलिंद्रा नाम के गांव में हुआ था। पूज्य स्वामी ने नंद पंक्ति के कई संतों के दर्शन किए थे। श्री वैकुंठ चरण दास जी स्वामी के मुख्य शिष्य पुराणी स्वामी श्री नारायण स्वरूप दास जी स्वामी थे, जो संप्रदाय में एक विद्वान वक्ता के रूप में पहचाने जाते थे। पूज्य स्वामी का जन्म महलाव गांव में हुआ था। स्वामीनारायण संप्रदाय की राजधानी समान वड़ताल देश में पूज्य स्वामी जी जैसे एक संत साधुता के आभूषण समान थे। श्री नारायण स्वरूप दास जी स्वामी के मुख्य शिष्य इस संप्रदाय के आधार समान संत साधुगुण संपन्न वड़ताल के ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु कोठारी श्री नंद किशोर दास जी स्वामी, जो हमारे दादा गुरु है। नंद स्वामी का जन्म जूनागढ़ जिले के लिमधरा नाम के गांव में हुआ था। साधु संत एवं भक्तजन पूज्य स्वामी जी को नंद बाबा के प्यारे नाम से बुलाते थे। पूज्य नंद बाबा की साधुता सोने धागे जैसी थी। विषम परिस्थितियों में भी कभी अपने स्वधर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भूले नहीं। नंद बाबा ने अपने जीवन काल में इस संप्रदाय को अनेक हरिभक्त और संतों का उपहार दिया है। पूज्य नंद स्वामी अपने सद्गुरु एवं परम पूज्य आचार्य महाराज की आज्ञा से कई मंदिरों के महंत पद पर रह चुके हैं, जिसमें प्रथम पीज मंदिर के महंत पद पर रहकर उन्होंने संप्रदाय के अनेक कार्य किए। उसके बाद सन 1958 में पूज्य नंद बाबा चाणोद मंदिर के महंत पद पर आरूढ़ हुए। पूज्य स्वामी जी ने पूरे मंदिर और समाज की काया पलट कर
एक नई राह दिखाई। सन 1964 में पूज्य नंद बाबा सूरत रामपुरा मंदिर के महंत हुए। 10 साल तक पूज्य स्वामी जी ने इस मंदिर की सेवा की, जिसमें नूतन ऑफिस निर्माण, विशाल मंदिर परिसर, प्रदक्षिणा का मार्ग, रुस्तम बाग सेनेटोरियम का निर्माण आदि प्रमुख कार्य सम्मिलित है। इसी दौरान पूज्य नंद बाबा ने इस संप्रदाय का सबसे बड़ा पाग सार्थ शताब्दी महोत्सव सूरत में मनाया, जिसमें प्रथम बार ही भगवान स्वामी नारायण की प्रसादी भूत पाग पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। ऐसे अनेक कार्य सूरत मंदिर में किए। उनके बाद पूज्य स्वामी जी डभाण मंदिर के महंत हुए, जहां पूज्य नंद बाबा ने विकास की यश गाथा की चरम सीमा तक पहुंचाई। उसके बाद पूज्य नंद स्वामी की मुंबई के भुलेश्वर मंदिर के महंत पद पर नियुक्ति की गई। इसी दौरान पूज्य स्वामी जी ने मंदिर के विकास के लिए सुसंस्कृत हरिभक्त समाज तैयार किया। उसी समय पूज्य नंद बाबा ने इस संप्रदाय का दूसरा महोत्सव श्री स्वामीनारायण भगवान द्विशताब्दी जन्म जयंती महोत्सव का धामधूम से मनाया, जिसमें सैकड़ों हरिभक्तों ने अपने कल्याण के मार्ग को सुनिश्चित किया और दिव्यानंद की अनुभूति की। 12 जून 1976 विक्रम संवत 2032 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन पूज्य नंद बाबा की धोलेरा मंदिर के महंत पद पर नियुक्ति की गई, जहां पूज्य स्वामी जी ने विशाल सभा मंडप का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया और अन्य कई विकास लक्षी कार्य किए। इस तरह पूज्य नंद स्वामी ने जीवन पर्यंत मंदिरों की सेवा की और भगवान और अपने सद्गुरुओं की प्रसन्नता प्राप्त की। जय श्री स्वामी नारायण।